आप जब अकेले में है तो आप क्या करते हैं, उससे पता लग जाता है कौन सा गुण है। अगर मैं अकेले में हुआ सो जाता हूँ, मतलब कोई नहीं है यार, सोया भाई, अलार्म बंद करो, सोया भाई, सोया यार, और क्या। या अकेले में हूँ, दारू वारू पीता हूँ, नशा करता हूँ, यानी कि मेरा अंदर जो डोमिनेंट गुण है वो है तमोगुण। अगर मैं अकेले में हूं, मैं कुछ गंदी चीज देखता हूँ, इंटरनेट पे कोई गंदा चीज देखी, या किसी को बुला लिया, अरे जाने मान आ जा, माँ बाप मेरे गए हुए 3 दिन के लिए, आ जा, इसका मतलब मेरे अंदर कौन सा गुण डोमिनेंट है, रजोगुण। मैं अकेले में अगर पैशनेट एक्टिविटीज करता हूँ, अगर सेल्फ अब्यूजिंग एक्टिविटीज करता हूँ, सेंसुअलिटी करता हूँ, दैट मीन्स रजोगुण इज मोर डोमिनेंट इन माई पर्सनैलिटी। और मैं अकेले में, चले कोई नहीं है भाई, पढ़ेंगे यार, मैं और मेरी लाइब्रेरी अक्सर ये बातें करते हैं, घंटों घंटों बंदा किताबों में डूब जाता है। यहाँ पे कहता है भाई चलो अब 3 दिन की छुट्टी है, हरिद्वार ऋषिकेश चलते हैं भाई, गंगा मैया में स्नान करेंगे, गंगा नदी के तलहटी बैठ करके ग्रंथ पढ़ेंगे। इसका मतलब इसकी डोमिनेंट गुण कौन सा है, सत्वगुण। इसलिए आप देखो सत्वगुण वाले बड़े कम है कलयुग के अंदर। अकेले में लोग ये काम करते हैं भाई कि लाइब्रेरी, कहता है लाइब्रेरी क्या है यार, व्हाट्सएप खोलेंगे, टक 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 करेंगे, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखेंगे, दैट्स इट। तो इसीलिए आप अकेले में जब हैं तो हम अपनी असली औकात में होते हैं, अकेले में। पब्लिक में हम बड़े जेंटलमैन होते हैं, हरे कृष्णा, ठीक हो, थैंक यू। अकेले में छोड़ दो बस, जब कोई ना देख रहा हो, फिर बंदा अपनी असली औकात में आया। तो इसलिए अकेले में हम जैसे हैं उससे हमें पता लग जाएगा कि हम, हमारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है जी। उस हिसाब से फिर आपको फिर अपना प्रोफेशन देखना चाहिए। जैसे अगर आपके अंदर सत्वगुण ज्यादा है तो आपको कोई ना कोई ब्राह्मणिकल यानी कि एजुकेशन से संबंधित प्रोफेशन में जाना चाहिए। अगर पैशन ज्यादा है तो कुछ मैनेजमेंट वाला कार्य करना चाहिए, एमबीए वगैरह कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रजोगुण काफी ज्यादा है, तो एमबीए वगैरह अच्छा रहेगा भाई। और ऐसा कि भाई ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, इच्छाएं हैं करने करने की कुछ, लेकिन बस 6 घंटे 9 घंटा काम करेंगे यार, उसके अलावा नहीं भाई। और पहली तारीख को मैसेज आ जाए, टीटी सो मच मनी इज क्रेडिटेड टू योर अमाउंट, बस इससे ज्यादा नहीं, तो भी तो आप नौकरी करोगी जैसे। तो इसलिए फिर जैसे जैसे आपका स्वभाव उस तरह से फिर यू कैन चूज योर प्रोफेशन। जैसे रजोगुण में बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो वैश्य वाला कार्य अच्छा कर लेते हैं, इन द सेंस बिजनेस क्लास, मर्केंटाइल क्लास, क्योंकि लोग वीकेंड भी नहीं देखते, वीकेंड भी नहीं देखते, कहीं पर भी बस लगे होते हैं, बिजनेस पे लगे होते हैं, मतलब कमोड पे बैठ करके लगे होते हैं, क्या करें, कॉन्स्टिपेशन है, आधा घंटा बिताना ही है, तो यही लगे हैं। ओ भाई माल सप्लाई हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए जैसे ऐसा गुण हो उस हिसाब से फिर व्यक्ति को अपना